साइन वाला, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या कहते हैं, ये रूल देखिएगा, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। सर कितना, अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, वो स्मॉल हो गया। सर 25 डिग्री, यार इतना मत करो, थोड़ा सा छोटा ही रहने दो। वैसे फिर भी करोगे तो रफली काम चल जाता है, लेकिन करना मत, हाँ एरर ज्यादा होगा। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन क्या कर सकते हैं आप, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला टेन थीटा को, दूसरा फॉर्मूला इसी का भाई है इसीलिए साथ में लिख रहा हूं बड़े मजे से, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा में ज्यादातर ये यूज मार जाता है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, या कभी कभी इसे 1 भी लिख दे सकते हैं। और जब ये थीटा लिखेंगे ना, तो राइट साइड वाला थीटा, थीटा इन राइट साइड, राइट साइड मस्ट बी इन, या थीटा राइट लेफ्ट भू छोड़ दो यार, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन का मीनिंग मैं समझाता हूं। बताओ साइन 2 डिग्री इक्वल्स टू मुझे लिखना है क्या होगा, तो साइन 2 डिग्री उसको रेडियन में बदलो, पाई बाई 180, साइन पाई बाई 90, और ये हो जाएगा पाई बाई 90, और ये हो जाएगा पाई बाई 90 मतलब 3.14/90, ये हो जाएगा 0.314/9, और ये हो जाएगा 0. तो साइन 2 डिग्री हो गया 0.314/9, और ये हो गया 0.035 टाइप हो जाएगा, या 0.49 टाइप हो जाएगा। क्या ये आइडिया समझ में आया? यस सर। बस जैसे ही देख लो, यदि आ जाता है 10 5 डिग्री, तो 10 5 डिग्री को लिख दोगे 10 5 × 5/180, और इसे लिख दोगे 5π/180। न्यूमेरिक में जाना चाहो तो 5 × 3.14/180, यही हो गया। आप यदि कॉस लिखना चाहते हो, कॉस 2 डिग्री, तो कॉस 2 डिग्री क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 लिख के काम चला लेंगे, 0 डिग्री के आसपास जो है। अदरवाइज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 वाला आइडिया अप्लाई करेंगे, तो कॉस 2 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 2 × π/180 इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस π/90 होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। यस सर। नहीं सर, एक तो और बता दो कम से कम, 1.2 डिग्री का करो, 1.2 डिग्री का क्या करने वाले हो, कॉस 1.2 × π/180, एक काम करो 1.8 करो और बेहतर कटेगा, हाँ 1.8 कर लेते हैं और बेहतर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 100, और यदि हो रहा है तो ये कितना हो जाने वाला है, 1 माइनस π/100 स्क्वायर बाई 2, और वो पाई स्क्वायर देखना ना, वो पाई स्क्वायर हो जाता है 10 × 2, ये हो जाता है 10/2 पे 4 जीरो, एक जीरो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.0005 टाइप हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, सब्सट्रैक्ट कर लेना, क्या मैं मान लूं कि ये समझ में आ गया? यस सर। देखना एक बार और सर, अब ना ये वेट, ये देख लो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये क्या कहता है, 1 + x^n इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 + nx, कब, जब मॉड एक्स मतलब एक्स का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत छोटा हो एक से, माइनस प्लस में लेकर मत सोचना, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो एक्स का है वो देखो,
और वो लेस देन, ये प्लस, ये जो प्लस माइनस यदि होगा तो प्लस माइनस बीच में डाल रहा हूं, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब ये आप लिख सकते हैं कभी भी, कब, जब एक्स बहुत छोटा हो एक से। जैसे कभी एग्जाम्पल आया है, पहला ये ब्लू वाला एग्जाम्पल देख लो, ब्लू वाला एग्जाम्पल है 1 - 0.002 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट के बदले 1/2 हो गया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 1 - 0.002 और साथ में प्रोडक्ट में आ गया वो 0.002 से पहले 1/2, सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ एक टर्म और आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब तुमसे पूछ लिया गया कि जीवन भर में इंसान कितनी सांसें लेता है, बताओ मुझे। तो अब टेंशन में तुम आ गए कि सर किस इंसान की बात करूं, जो 204 साल जीता है या 100 साल जीता है। अरे तो ऐसे केसेस में आप बहुत एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लगभग में बताएंगे जीवन भर में कितनी सांसें लेंगे। तो ध्यान से देखो, जीवन भर में कितनी सांसें लेंगे, तो एक काम करो खुद की सांसें गिनो, एक मिनट में लगभग 12 बार लेते हैं, कैलकुलेशन चूंकि आपको करना है तो 10 बार ठीक रहेगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने में, ऐसे सोच सकते हो, चेक कर लेना लगभग 10-12 के आसपास कुछ आता है, नहीं तो घड़ी लेके देख लिया। अब एक मिनट का पता चल गया, एक मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं, 10 ब्रेथ इन 1 मिनट, 10 ब्रेथ पर मिनट, लेकिन मुझे तो चाहिए पूरे जीवन काल में। अब ये वो नंबर चाहिए, नंबर ऑफ ब्रेथ। तो आप यहां मिनट हटाना चाहते हो, तो मिनट कैसे हटेगा, 60 मिनट बाय 1 आवर, क्योंकि ये तो 1 ही होता है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर लें। और अब आवर कैसे हटेगा, 24 आवर बाय 1 डे। और यदि यदि आप कहते हैं डे को ईयर में 1/365 day upon 1 year, अरे सोरो उतना एक्यूरेट कौन करेगा। और यदि मैं 100 साल मान लेता हूं एज है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास जो डाटा आता है वो एक बड़ा सा डाटा हो जाएगा। तो देखिए रफ एस्टीमेट इसका, 60, 24, 365, 100। अब मान लेते हैं कि एन ऐसे आ गया, कुछ भी रेंडमली 2839705 48, इस टाइप का कोई है एन नॉट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.8 × 10⁻¹, देखना ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10⁸। इसका ऑर्डर हम कह देंगे 10⁸। तो 10⁸ एक ऑर्डर, एक रफ आइडिया देता है कि इस ऑर्डर में सांसें लेगा। और उसके पीछे वाला जो नंबर होता है, ये नंबर यदि 5 से बड़ा हो जाता है तो जनरली वो 10⁸ उस ड्रॉप करने पर 10⁹ कर देंगे, और यदि वो 5 से छोटा रहता है तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं और 10⁸ कह देते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ ध्यान से देखना, यदि है 6.023 × 10⁰³, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁴। पीछे वाला 5 से बड़ा था, लेकिन यदि कहीं पर है 1.61 × 10⁻¹ कूलम चार्ज, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10⁻¹। वो पीछे वाला बहुत छोटा है, एज इट इज छोड़ दिया। यदि आपके पास है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ kg, बताइए तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, 10⁻³¹, 10⁻³¹, क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो -31 में +1 करेंगे -30, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ये थोड़ा सा आइडिया था। ओके, यहाँ खत्म करूं अपनी क्लास आज के लिए, इतना ही। सर वो एक आर्क मिनटर आ सकता होगा। आर्क मिनट, आर्क सेकंड होता है, 1 डिग्री को 60 टुकड़े में बांट दो तो 1 आर्क सेकंड कहोगे, या इससे 1 सेकंड भी कह के चुप हो जाते हैं। और 1 आर्क सेकंड को
ये वन आर्क मिनट कहते हैं, सॉरी वन आर्क मिनट कहते हैं ये मिनट, या वन मिनट भी कह देते हैं जल्दी में। और वन आर्क सेकेंड क्या होगा, वन मिनट जो है उसको 60 पार्ट में बांट दो, वन आर्क सेकेंड हो जाएगा, मतलब वन डिग्री का 60वां टुकड़ा वन मिनट, और वन मिनट का 60वां टुकड़ा वन सेकेंड। लेकिन ये आर्क वाला मिनट और आर्क वाला सेकेंड है, इसलिए आर्क मिनट आर्क सेकेंड ज्यादा डिटेल में बोलते हैं, और जल्दबाजी में केवल मिनट केवल सेकेंड बोल देते हैं। फिर से बताता हूं, वन डिग्री आप जानते हैं पाई बाय 180 रेडियन हो जाता है। आप वन डिग्री को यदि 60 टुकड़े में बांट दें तो वन मिनट हो जाएगा, और वन मिनट को यदि 60 टुकड़े में बांट दें तो ये वन सेकेंड हो जाएगा। यदि इसको टाइम से अलग करना है आपको तो आर्क मिनट बोलेंगे, आर्क सेकेंड बोलेंगे। ओके यस सर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर।